नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक, और बात होनी चाहिए उस बात की जिस बात पर राजनीतिक पार्टियां वोट मांगती हैं, और शायद 70 सालों के इतिहास में कांग्रेस के लिए भाषण देने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि जिस गरीबों का नाम लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस की विरासत हमेशा भाषण देती आई है, अब क्या करेगी। क्योंकि बीजेपी ने अपने इस बजट में जिस बात का जिक्र किया है वो ये है कि पूरे बजट में गरीबों के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया, और गरीबों के लिए इतना कुछ दिया गया कि शायद कांग्रेस के लिए सवाल उठाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सन 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उन सपनों को साकार करने की कोशिश की है जिन सपनों के दम पे 2014 में अलग अलग मंच से पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे। इसी बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री की पूरी टीम, बीजेपी की अगली पीढ़ी, बीजेपी की विरासत और बीजेपी की सोच अगले साल चुनाव में जाएगी, और इसी दम पे बीजेपी वोट मांगने की कोशिश करेगी। इसीलिए हम करेंगे एक चर्चा, और चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी का यह बजट हर घर में पहुंचेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गरीबों की बात नहीं करते बल्कि 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। इस डिबेट में तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और सबका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप श्योराण जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। राजेंद्र जादौन साहब हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ अनिल आर्य जी हैं, आपका भी स्वागत। अर्थशास्त्री कामनी बत्रा जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैम बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं, आपका भी स्वागत है। आनंद सनवारिया जी हैं, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से रंजिता मेहता जी हैं, आपका भी स्वागत है। इनोलो की तरफ से रविंद्र ढुल साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हास्य कवि भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है और बजट को शून्य बताने की कोशिश कर रही है, क्या बजट ऐसा ही है। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से करते हैं, और रंजिता मेहता जी सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचा, बजट इतना शानदार गरीबों के लिए कि कांग्रेस प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही है। कहां प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही, मैं इस बात से हैरान हो रही हूं। भाजपा का जो ये बजट है वो सेम वही कहलाएगा कि ढोल बजाओ, प्रचार करवाओ और लाभ कुछ ना पहुंचाओ। सबसे ज्यादा पीठ जो भाजपा थपथपा रही है वो इन्होंने जो इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है उसको लेकर थपथपा रही है कि हमने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दे दिया। जनाब हकीकत जो जमीन पर है वो तो देख लीजिए, पिछले साल 26.97 करोड़ जो लोग थे जिनको आपने ये स्कीम के तहत फायदा पहुंचाना था, उसमें से 21 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो बीपीएल कार्ड ही नहीं बने, उनका आपका बीमा योजना का कार्ड ही नहीं बना, जो कि वो लाभ पद ले ही नहीं पाए। तो सिर्फ 30,000 लोगों को ये फायदा देकर, जिसका बजट 1,000 करोड़ था और उसमें से आप 232 करोड़ रुपए ही खर्च पाए, आप ये बातें जो करते हैं, जुमले जो दिखाते हैं, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है। जनाब मोदी जी 21 राज्यों में 21 करोड़ लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंचा, तो ऐसे वादे और ऐसे दिखावे और ऐसे जुमलों को क्या फायदा। अगर आप अपनी सबसे ज्यादा पीड़ित स्कीम को लेकर थपथपा रहे हैं, उस स्कीम की जो हकीकत है वो सबके सामने है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये भी है रंजिता मेहता जी की कांग्रेस को अपनी योजनाओं का जिक्र फिक्र बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी योजनाओं का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस इस पे छाती पीटने के बजाय उन योजनाओं पे छाती पीटती नजर आ रही है जिसकी शुरुआत हुई है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो राज्य जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया है वो सारे ही कांग्रेस शासित राज्य हैं, और जिन राज्यों ने स्कीम में कोई भी क्लेम पिछले 3 सालों में नहीं किया वो सारे ही भाजपा शासित हैं। कहें तो एक एक करके आपको लिस्ट, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अगर आप किसी स्कीम को चालू करते हैं, अगर किसी स्कीम के लिए बजट अलॉट करते हैं तो उसका 50% भी आप खर्च नहीं कर पाते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता। आप लोगों को लोक लुभावने जनाब, अगर पिछले 3.5 साल की आप एवरेज दिखाते हैं तो आपके किसानों को सिर्फ 1.9% की एवरेज से जो है प्रतिवर्ष उनकी आय बढ़ी है, और अगर आप उनकी आय दुगनी करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्मूला अपनाना होगा, आपको लगातार 6 साल तक उनकी आय 12% तक बढ़ानी होगी, तब जाकर उनकी जो आय है वो दुगनी होगी। तो कौन सा फॉर्मूला अमित शाह के बेटे इनको देने जा रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएं। अभिषेक जी, जैसा बजट अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया, और ये बजट वही प्रधानमंत्री दे सकता था जो गरीबी से गुजर के आया है। कांग्रेस को क्या पता गरीबी होती क्या है, उसकी तो सोच ही उसी तरह की करप्शन जातिवाद, तो उसमें में ना जाते हुए आज का जो बजट है वो किसान का बजट है, वो कॉमन मैन का बजट है, वो गरीबों का बजट है। और ये जो एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं कि ये हम ढोल, हम कोई भी बजट या कोई भी इलेक्शन
जीतने की या वोट लेने के लिए नहीं करते। जो भी हमारा कार्य होता है वो सिर्फ देश के उत्थान के लिए होता है। जब तक कि गरीब इंसान नहीं उठेगा, मिडिल मैन कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आज देखिए, अभी किसान के लिए तो आपने सोचा भी नहीं, मिडिल मैन प्रोग्रेस कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। पर भी आएंगे, नहीं मैं, आपने गरीबों के लिए सोचा, इसीलिए शुरुआत में जिक्र किया था कि 125 करोड़ का बजट है या सिर्फ गरीबों का बजट, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं गरीबों के लिए बजट के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ। अभी मेरी बहन अरंजिता जी ने कहा कि ये ढकोसले हैं, वो इन्होंने बीपीएल कार्ड नहीं बने। देखिए, झूठ की एक प्रकाष्ठा होती है। अब देखिए, मुझे बोलने दीजिए अभिनव जी, कांग्रेस से यही प्रश्न हताश मत होइए, सरकार कभी बनने का मौका नहीं मिलेगा। हताश मत होइएगा इस बजट के बाद में, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, आप सुनिए, मैं सुना, आप मेरी बात सुनिए। जब हमने सरकार को टेक ओवर किया 2000 मई, मारिया जी झूठ इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्कीम होती है डंका बजाओ, ढोल बजाओ और प्रचार करवाओ। ऐसे लोगों का पेट नहीं भरेगा जनाब। आज अलग विषय है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए अभिषेक जी, जिस बारे में भी बजट के बारे में बात की गई है, बेरोजगारी के बारे में पहले साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और आज वित्त मंत्री जी अपने मुंह से 70 लाख भी आ जाते हैं और जमीनी हकीकत ये है, एक साल की बात है, 20 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। आपका आखिरी बजट है, आपका आखिरी बजट है और देश के 20 लाख युवाओं को भी आप नौकरी नहीं दे पाए, ये आपकी जमीनी हकीकत है। छोटी सी प्रतिक्रिया, ठीक है सर, छोटी सी प्रतिक्रिया। रंजीता जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल लोग आपसे पूछेंगे, आज आपने बजट पेश किया है, जवाब आपको देना होगा। आपकी सरकार की परफॉर्मेंस है, आपको 0 मार्क्स मिले हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा और हम सवाल करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने सरकार छोड़ी उस वक्त डेफिसिट कितना था, फिस्कल डेफिसिट कितना था, बता सकती है कि नहीं? आप बिल्कुल बता सकती, बताइए कितना था। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हमारे फिस्कल डेफिसिट मैं बता देना चाह रहा हूँ। आपने जब आपने बजट पिछले साल का दिया था, और आज आप रटे रटाए भाषण मत दीजिए। आप लोगों ने जो विरासत में दिया था, आप गरीबों को उठाने का काम कर रहे हैं। रंजिता मेहता जी आपके पास लौट रहे हैं। आनंद समारिया जी, आनंद समारिया जी, आप ये बजट गरीबों का बजट है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच से जिक्र करते हैं पूरे देश 125 करोड़ वासियों का है? नहीं, ये बिल्कुल गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए और किसान के लिए, ये सब बिल्कुल बिल्कुल आधा हिंदुस्तान बजट से बाहर है। बिल्कुल आधा हिंदुस्तान बजट से बाहर है। मैंने ये कहा कि बजट से बाहर नहीं है, वो नौकरी पेशा लोग जिनको 40 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहली बार 10 साल के बाद आई है 40,000 का, उसमें करीबन 22.8 करोड़ लोग भी उसके बीच में। फिजिकल डेफिसिट पे कुछ कहना चाहूंगी, अगर फिजिकल डेफिसिट की आप बात करते हैं कि 3.3 या 14% कांग्रेस सरकार ने दिया, मेरा कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट बजट पर उसका बर्डन जाना। अगर ऐसी बात थी कि ये बीजेपी का लास्ट बजट है तो उसने नेक्स्ट सरकार पर क्यों नहीं फिजिकल डेफिसिट ज्यादा डाला, क्यों कम किया? इट मीन्स आने वाली सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, आने वाली सरकार पर फिस्कल डेफिसिट का कोई बर्डन नहीं है। उन्होंने अपना रेवेन्यू कैसे अरेंज किया है, बजट कभी भी लोगों के पेट काट के रेवेन्यू रेस किया, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जो रेवेन्यू रेस किया है वे लोगों का पेट काट के किया है। ओके मैम, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, हमारे समय में 147 रुपए प्रति बैरल था, 25 रुपए में एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने उसके ऊपर सेस लगाया, आपने उसके ऊपर वैट लगाया, उसकी वजह से आम जनता को फायदा नहीं पहुंचा। आपके को ठीक है मैम, मैं पार्टी की नहीं हूँ, मैं पार्टी की नहीं हूँ, ठीक है, बाकी मेहमानों पे भी जाना, ठीक है, मैं पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट अराइज क्यों होता है? आप ये मानते हैं कि बजट ठीक बजट आया है? बिल्कुल मैं मानती, मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आपसे क्या, आप ये मान रहे हो कि बाकी गरीबों का बजट है? आप ये मान रहे हो कि जो बीपीएल इंश्योरेंस स्कीम लाए हैं वो हमारे लिए फायदा? बीइंग अ कॉमन पर्सन मैं बताना चाहती हूँ, सुबह तक तो मैं कयास कर रही थी इट इज इलेक्ट्रिक पॉलिटिकली ओरिएंटेड बजट और अपीज ऑल द पीपल एंड ऑल द मासेस ऑफ द सोसाइटी, बट दिस टाइम आफ्टर द बजट आई थिंक सो दिस बजट विल 100% एप्लीकेबल टू दिस टाइप ऑफ द इकॉनमी। This economy is developing. Now this is the 7th largest economy in the world. But this time it is the 5th.
ठीक है, जीडीपी के बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल अनिल आर्य जी, अनिल आर्य जी की पहली प्रतिक्रिया लेंगे, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है, दोबारा आ रहा हूँ, अनिल आर्य जी के पास जाएंगे। जितना बजट को समझ पाए कि आपको लगता है कि बजट पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की यह रणनीति थी कि 2019 में जब जाएंगे तो लोगों को ये न कहना पड़े कि गरीबों के लिए हमने कुछ नहीं किया, अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन वादों को पूरा करने की कोशिश की जिसका जिक्र हमेशा करते रहे? मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा, हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती हैं फिर चश्मे दान करती हैं। इस बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है जो ये कहने लायक हो कि बहुत अच्छा बजट है। लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर बिल्कुल भी बीजेपी खरी नहीं उतरी है। और मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं बजट के बाद में अपने वित्त मंत्री को डिफेंस करने के लिए आना पड़ा। मेरे ख्याल से ये इस देश की पहली ऐसी घटना होगी जब प्रधानमंत्री जी खुद अपने बजट के बारे में इतने लंबे बोले हैं, नहीं तो 2-3 मिनट की पीसी होती थी। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है, बस थोड़ी सी रिबेट दी गई है कि अगर टैक्स आपका जो 2500 भरना था वो आपको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बड़े स्लैब में भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, किसानों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ इतने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बजट के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए वो बजट के जो पहले वाला बजट है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कितने पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। अब 2-3 दिन पहले हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू जी की वो आई थी, एक बयान आया था कि हरियाणा का जो बजट है वो लगभग 50% भी खर्च नहीं हुआ है। अरे भाई जब खर्च ही नहीं हुआ है तो हरियाणा का बजट 1,25,000 करोड़ का था, अगर उसका आप 50% भी खर्च नहीं कर पाए तो फिर ऐसे बजट का फायदा क्या है? और ये जो इन्होंने किसानों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दे दिए उसमें, उसको ये कैसे खर्च करेंगे, किस तरह से खर्च करेंगे, ये पॉलिसी का विषय है। बजट जो है लोगों को बिल्कुल मन बहलाने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, मूर्खों को ये बताने के लिए होता है कि कैसा बजट कहाँ होगा, जबकि ये बाद में पॉलिसीज को चेंज करके उस बजट को कहाँ खर्च करते हैं ये तय नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि इस बजट पर चर्चा करने की बजाय जो पिछला बजट था उसके ऊपर अगर चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और प्रथम जो मेरी टिप्पणी है, बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। मैं तो एक किसानों की फसल की बीमा की बात कर रहे हैं, अरे भाई पहले आप किसानों का तो बीमा कर दो, अगर कोई भी किसान मारा जाता है उसका क्या होगा परिवार का? किसानों के लिए कुछ नहीं है, गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्गीय के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी ये कहती नजर आई कि बजट में किसानों के लिए है साहब, गरीबों के लिए है साहब, छोटे तबके के लिए है साहब, 1 मिनट लगा और पत्रकार महोदय ने यह कह दिया कि किसी के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी, बीजेपी के कहने से सब कुछ नहीं चलता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात जो आती है बड़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए बजट बना रहे हैं, 1.5 गुना हमने जो है बढ़ा दिया। एक प्रकार से इन्होंने कहा कि इन्होंने कथित तौर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो प्रमुख चीज़ है उसको लागू करने की बात कही है, जबकि इन्होंने खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये बात झूठ बोलते हैं कि इन्होंने वर्तमान के अंदर भी इन्होंने 1.5 गुना मुनाफा दिया है। मैं आपको बिल्कुल सरकारी डाटा बताता हूँ कि 2017-18 के 16-17 के हिसाब से गेहूं की जो लागत आती है वो 2345 रुपए के हिसाब से आती है, जबकि जो इनका समर्थन मूल्य है इस समय पे वर्तमान में है वो 1625 रुपए है। अब यदि इनकी बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की इस बजट की वर्तमान जो आज बजट स्पीच की है उसकी बात भी करें तो गेहूं का समर्थन मूल्य इस समय पर लगभग 3000 से ऊपर होना चाहिए, जबकि है 50% कम, ये कह रहे हैं 50% ज्यादा तो हम दे रहे हैं, यहीं पर झूठ साबित हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यदि हम MSP की भी बात करें तो इन्होंने MSP की तो बात कर दी, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं हैरानी वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में केवल मात्र 6% ऐसी फसलें हैं जो कि MSP के ऊपर खरीदी जाती है और 94% फसलों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कृषि एक्सपर्ट भी है सर सावरिया साहब, आप अकेले नहीं है एक्सपर्ट, कृषि एक्सपर्ट भी है उनसे पूछ लीजिएगा। केवल 6% MSP पर खरीदी जाती है, 94% MSP पर नहीं खरीदी जाती है, झूठ। अब इससे आगे जाते हैं, किसान कर्ज माफी के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी। अगली चीज इरिगेशन के लिए कितना अलॉटमेंट है इनको पता होगा, किया तो है, क्या किया है, मैं यही तो कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, आपको यही कह रहा हूँ। इन्होंने 1.5 गुना ज्यादा की बात कही, इन्होंने 50% कम तो वर्तमान में दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 50% ज्यादा दे रहे हैं, जब शुरुआत ही झूठ से हुई है तो भविष्य के बारे में कहाँ बात करते हैं? बिल्कुल, जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही खत्म हो चुकी है तो बिल्डिंग का भविष्य क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या वाकई में ये झूठ है या बीजेपी के तमाम प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये साबित करके दिखाएंगे कि नहीं साहब, जो बजट अरुण जेटली साहब ने सदन के भीतर पढ़ा है और जिसकी पीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे देर तक थपथपाई है वो बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए खबर अभी तक के साथ।